हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे आप सब, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मैं हूँ प्रीति एंड प्योर। और सभी लोगों को जय माता दी। और मैंने कहा जब तक नवरात्र चल रहे हैं जब तक तो फिर माता रानी से ही शुरुआत करूँगी। और आज का टॉपिक आपको बता दें, आज चौथा दिन है और आज माँ कुष्मांडा देवी का दिन है जिनकी पूजा होगी। तो थोड़ी थोड़ी हमारी जवारे भी निकल आए हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, दो लौंग तोड़ के, मतलब दो लौंग के सहारे व्रत कैसे, क्यों और कैसे कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। मतलब नुकसान तो मैं बता दूँ कुछ नहीं है, अगर नुकसान होता तो लौंग की बात बताती हूँ मैं। ये छोटी सी लौंग जो है, देख लीजिए, दो लौंग होती है जो मुंह में डाली जाती है और इसी के सारे व्रत रहा जाता है। तो इसका मतलब एक जो पुराना प्राचीन काल से चला आ रहा, काफ़ी लोग पहले बहुत रहते थे, अभी भी कुछ कुछ लोग रहते हैं। लोग कहते हैं कैसे लोग रह लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, इसके फ़ायदे मैं बताती हूँ। इसको मुँह में डालने से, मतलब इससे तो पहली बात तो आपको पुराने से पुराना पेट दर्द होगा या कुछ भी साल भर में जो होता है ना, तो पेट दर्द की समस्या दूर हो जाती है। और दूसरी चीज़, इसको अगर आप मुंह में डालते हैं और इसके द्वारा व्रत रखते हैं तो प्यास नहीं लगती है। और दूसरी चीज़ है, आपको व्रत रहने भूखे पेट रहने से, जैसे खाली पेट रहने से बहुत लोगों को क्या होता है, घी मचलाता है, तो इससे घी नहीं मचलाता है। और खांसी, बहुत पुरानी खांसी आ रही होगी वो भी सही हो जाएगी। और जब व्रत ख़त्म होता हमारे, तो जो पेट की समस्या, बहुत सारी पेट की समस्याएं वगैरह होती ना, वो भी ख़त्म होती हैं। आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर समस्या होती तो लोग व्रत क्यों रहते हैं और दो लोगों के सारे क्यों रहते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता, क्योंकि छोटी सी है लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और घर में बरकत है, समृद्धि है, इससे आती है, इसलिए लोग के सारे जो जानते हैं वो रहते हैं। बाकी वो तो अपने मन की बात है, जैसे जिसके ऊपर है जो रह पाता है रहे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, इसके नुकसान कुछ नहीं, अगर नुकसान होते तो मैं तो इतने साल से रह रही हूँ और बहुत से लोग रहते हैं दो लौंग पे, नौ दिन व्रत रहते हैं दो लौंग पे रहते हैं। लौंग बहुत चमत्कारी है, बहुत फ़ायदेमंद है, हमारी पूजा में काम आती है। और इसीलिए ये होता है, इससे पानी भी नहीं आता मुँह में, बार बार पानी आना या तो चक्कर आना, बहुत ज़्यादा सर में, बहुत लोगों को सर में दर्द होता है, जैसे नमक नहीं खाते हैं, नमक नहीं खाया, खाली पेट है तो सर में दर्द होने लगता है। तो इससे ये सारी समस्या दूर रहती है और एनर्जी फील करते हैं। ये छोटी सी लौंग है लेकिन आप सोच लीजिए कितनी सारी इसकी सारी, बहुत सारी इसकी वो हैं, मतलब क्या बताऊँ, इसकी खूबियाँ बहुत हैं। और साइंटिस्ट भी मतलब ये मान चुके हैं, बाकी तो पहले लोग ये लौंग के ही उससे रहते थे। बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए लोग व्रत रह लेते, खराब मतलब ऐसा नहीं है, और ख़राब होता तो कोई व्रत ना रहता। शक्ति भी है, बाकी माता रानी की शक्ति है, कुछ कुदरत से बना हुआ है ना, इसीलिए ऐसा होता है कि लोगों के सारे लोग व्रत रह लेते हैं। और बाकी तो वही है ना कि लोगों की दवा भी चलती है, आजकल खान पान भी सही नहीं है तो लोग नहीं रह पाते हैं। अपने अपने शरीर का टेम्परेचर होता है, कोई ज़्यादा मतलब पूरा रह लेता है, कोई नहीं रह पाता कोई पानी के बिना। तो उस हिसाब से ये आपकी भूख को भी कम करता है, पानी की प्यास को कम करता है, पेट में जितना दर्द वगैरह होता होगा वो भी कम करता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब सही करता है। व्रत के बाद जब हम खाना, व्रत हमारा टूटता है मतलब जब हम उपवास तोड़ते हैं तो उससे भी बहुत फ़ायदा करता है, उससे आपको कोई पेट में दिक्कत नहीं आएगी। छः महीने की जो दिक्कत होती है ना, वो समस्या सारी पेट की, आपकी जो क्या बोलते हैं, हजम करने की सारी पेट की समस्या होती हैं और डाइजेस्ट करने में बहुत फ़ायदेमंद करता है छः महीने में। इसीलिए कहते हैं ये लौंग, क्योंकि हम नौ दिन लौंग खाते हैं तो जितनी समस्या होती है वो सही कर देता है और सिस्टम बहुत अच्छा बनाता है ये लौंग। तो करके देखिएगा, लेकिन मेरी वो नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन हाँ आपका मन करता है करिएगा, इसके फ़ायदे बहुत हैं, बाकी कोई नुकसान नहीं है, अच्छा होता है, इसीलिए तो रह लेती हूँ, तो कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। देख लीजिए लौंग,
तो लौंग की जानकारी आपको कैसी लगी? जो लौंग पे व्रत रहने वाला जो प्रथा है, काफ़ी लोग नहीं रह पाते अब, वैसे ही बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं क्योंकि बहुत से लोग नमक नहीं खाते तो बीपी वगैरह भी लो हो जाता है, तो उसके चलते तो ज़रूरी है, जिनको कोई दिक्कत है तो ज़रूर खाएँ, मतलब नमक खाएँ, जिनके यहाँ मीठा खाया जाता है मीठा खाएँ, खाना चाहिए। और मेरा तो फिर मुझे पता है मैं रहती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत तो महसूस होती नहीं। हाँ, आगे भविष्य में अगर माता रानी कि अगर बनी रहेगी तो चलता रहेगा, नहीं शरीर ही तो है ना, अगर दिक्कत बनेगी तो ज़रूर मैं खाऊँ पीऊँगी, लेकिन जब तक चल रहा है, जब तक मैं लौंग पे रह रही हूँ, तो बस आप लोगों को लौंग की एक जो मैं कैसे व्रत रहती हूँ, पहले के लोग, बहुत पहले के लोग, अभी भी कुछ लोग जैसे मैं हूँ, मैं आज ही के ज़माने की हूँ, लेकिन पुराने लोग ये लौंग तोड़ के ही रहते थे, दो लौंग पे व्रत रहते थे डेली, पूजा करने पे जहाँ पे दर पे बैठा जाता है दो लौंग मुँह में डाली जाती है, उसके बाद पानी पी लिया था एक गिलास और सारा दिन ऐसे रहा जाता। तो अब तो लोग नहीं इतना, लेकिन बीमारी है, पहले तो चल जाता था, लोग मानते भी नहीं, विश्वास लोग सोचते झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ वाली बात नहीं, माता रानी के दरबार में बैठे तो कोई झूठ तो बोलेगा नहीं ना। तो पापा से पूछिए, अच्छा पापा कैसे रहते थे सब? हम कब से रह रहे, जब से हम आए हैं। पापा ही से पूछ लीजिए, पापा तो झूठ नहीं बोलेंगे, जब से आए, जब से हम रह रहे हैं और रह लेते हैं सब। पापा से वहाँ पे कोई विश्वास ही नहीं करता, पापा बताते हैं तो कोई मानता ही नहीं। और कितना आते हैं दुकान में, क्या क्या ले जाते पापा बताओ? बताइए, चेरे सिंगाड़े का आटा, कूटू का आटा, और किसी को बताते कि हमारी बहू ऐसे रहती तो मानते नहीं है पापा। नहीं, मेरा भी ये मानना है कि खाना पीना ठीक है, जिसको भाई दिक्कत है, लेकिन ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। मेरी समझ से अगर बहुत से लोग हैं ना नमक नहीं खाते तो मीठा नहीं खाते तो नमक चलो ठीक है, लेकिन बहुत तला वाला नहीं खाना चाहिए, फल खा लेने चाहिए ना पापा, फल खा लेने चाहिए, क्योंकि तला भुना और रोज़ रोज़ पूड़ी उड़ी भी तो नुकसान ही करती ना। व्रत हम क्यों रहते हैं, व्रत भी क्यों बनाए गए, व्रत इसीलिए बनाए गए क्योंकि आजकल खान पान इतना ख़राब है कि कम से कम चलो 6 महीने में इंसान व्रत रहता है, 2 दिन रहता है या 9 दिन रहता है तो पेट का सिस्टम तो ठीक रहे, नहीं तो इंसान आजकल खाना पीना सही नहीं, भाई मैदे की चीज़ें चलती हैं ना पापा, इसीलिए व्रत बनाए गए। बाकी भगवान थोड़ी ना कहते हम व्रत रहो हमारे लिए, अपने आप को कष्ट दो, बस व्रत हम अपने शरीर के लिए रहते हैं। और सबको ज़्यादा ज़्यादा व्रत में आलू खाइए, लेकिन हाँ तला भुना ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं खाना चाहिए कि फ्राई चीज़ें खा रहे हैं तब भी तो नुकसान करेगा। फल खाइए, जितना हो सके लिक्विड पीजिए, फल खाइए तो आपका जो 6 महीने की समस्या पेट का होता है ना वो भी सही हो जाएगा, आपको जो वेट जिनका है वो भी सही हो जाएगा, काफ़ी हल्का महसूस होगा और एनर्जी भी कहीं नहीं जाएगी। तेल और पूड़ी खाने से तो एनर्जी की तो बात नहीं है, लेकिन हाँ दिक्कत हो जाती है। नहीं तुम व्रत रह लोगे हैं? टुक टुक करे अब नहीं रह पाएंगे। पीयूष तुम व्रत रह लोगे? पीयूष का व्रत देखे पापड़ खा के। पीयूष नमस्ते करो, जय माता दी बोलो। नमस्ते जी। जी जय माता दी बोलो। माता जी, माता जी नहीं, जय माता की। जय माता जी, सही से बोलो। ये रख के इनका व्रत चल रहा है पापड़ वाला। जय माता जी। हाँ चलिए, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो फिर लंबा हो रहा है। अब बस आपको लौंग की ही बातें बतानी थी तो मैंने सोचा बता दूँ, आज ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आया हो लौंग वाली जो स्टोरी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जय माता की बोलो सब लोग। जय माता जी। माता जी सामने बैठी तुमको मारेंगी, फिर बाबा जी बुला देंगे बादल, फिर कहोगे नहीं हमने गलती नहीं करी, सही से बोला करो, हाथ जोड़ के बोलो जय माता जी। हाँ नहीं तो फिर बादल बोलेंगे तो कहोगे। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो सब कर दीजिएगा, जाते जाते खुद का ख्याल रखिए, मम्मी पापा ख्याल रखिए, जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखिए। ओके फैमिली, जय माता दी, बाय, लव यू, बाय।